हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो दोस्त, आप सब हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, पहला सब्जेक्ट, जो कि दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट आपने पढ़ लिया है। उसके बाद अब अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है और आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड भी मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के तीन पढ़ने हैं, तीन पार्ट। और दोस्तों उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स है सेकंड, ठीक है दोस्त। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आपने पढ़ लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है, ठीक है दोस्त। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, ये तो सिर्फ दो ही मतलब सेकंड तक, सेकंड सेमेस्टर तक ही होता है और आप इसको आगे नहीं पाएंगे, यानी कि ये सेकंड सेमेस्टर तक ही होता है फिजिक्स। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला सब्जेक्ट है दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्त। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिर चौथे नंबर पर है बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों पाँचवें नंबर पर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है दोस्त। ये आपको पांच सब्जेक्ट जो है, ठीक है दोस्त, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये पांच सब्जेक्ट अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब विषयों का जो है पेपर होगा दोस्त। और एक विषय आपका और है दोस्त, वो है वर्कशॉप, वर्कशॉप सेकंड। वर्कशॉप फर्स्ट आपका हो चुका है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में, ये वर्कशॉप सेकंड है। इसका दोस्तों पेपर नहीं होता है, ओनली प्रैक्टिकल होगा दोस्तों, इसका ओनली प्रैक्टिकल होगा। तो दोस्तों इसमें से आपको जो है हमारे चैनल पर दो फरवरी से दो सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, वो है आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड फिजिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हमारे चैनल के द्वारा कराई जाएगी स्टार्ट फरवरी से ही। तो दोस्त, आप चैनल को पढ़ने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, अप्लाइड मैथ और अप्लाइड फिजिक्स में आपके अच्छे नंबर आएंगे, यानी आप 45 प्लस पे रहेंगे, ठीक है दोस्त, अगर आप जो हमारे मतलब चैनल के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।